नमस्कार, आप देख रहे हैं क्रिएटिव न्यूज एक्सप्रेस। पुलिस महानिदेशक अपराध व कानून व्यवस्था उत्तराखंड अशोक कुमार आज अल्मोड़ा के दौरे पर पहुंचे। यहां उन्होंने चार जनपदों अल्मोड़ा, बागेश्वर, पिथौरागढ़, चंपावत के साथ कानून व्यवस्था व पंचायत चुनाव की तैयारियों को लेकर आवश्यक बैठक की और दिशा निर्देश जारी किए। मीडिया से बातचीत के दौरान उन्होंने कहा कि नशे निरोधी अभियान को लेकर सप्लाई साइट पर अब अटैक किया जा रहा है, इसके लिए एंटी ड्रग्स फोर्स का भी सभी थाना स्तर पर गठन किया गया है। नशे की आउटगोइंग व इनकमिंग दोनों की रोकथाम की जा रही है। पंचायत चुनाव पर उन्होंने कहा कि चुनाव निष्पक्ष ढंग से कराने की पर्याप्त तैयारियां हैं, इसके लिए पुख्ता तैयारी कर ली गई है। इस मौके पर उनके साथ एसएसपी अल्मोड़ा प्रहलाद नारायण मीणा, बागेश्वर एसपी श्रीमती प्रीति प्रियदर्शनी, पिथौरागढ़ एसपी रामचंद्र राजगुरु तथा चंपावत के एसपी धीरेन्द्र गुंजियाल मौजूद रहे। आने पे भी गवर्नमेंट में काम चल रहा है, पहली बात। दूसरी बात, पुलिस महकमा अपनी ओर से हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि ड्रग्स पे सप्लाई साइड और डिमांड साइड दोनों साइड पे काम किया जाए। सप्लाई साइड पे अटैक करने के लिए हम लोगों ने अपनी एंटी ड्रग टास्क फोर्स बनाई है, जो थाना लेवल, जनपद लेवल और स्टेट लेवल पर बनी है। तीन स्तरीय एंटी ड्रग टास्क फोर्स और एनफोर्समेंट का लेवल बढ़ाया है। और अब हमने जो भी जहाँ से भी कमर्शियल क्वांटिटी पकड़ी जाती है उसमें एक पूरी पूछताछ टीम उन्हें पूछताछ करती है, जिससे जो उसकी चेन अगर कोई है, आगे उसके पीछे कौन है, आगे कौन है, तो जिससे पूरी चेन पकड़ी जा सके। ये हम एनफोर्समेंट बढ़ा करके ड्रग्स की सप्लाई साइड पे को रोकने की प्रयास कर रहे हैं। दूसरी तरफ हम ये भी प्रयास कर रहे हैं कि जो डिमांड साइड है, डिमांड जनरेट होती है जो उपभोक्ता है उसका, उसको भी कंट्रोल किया जाए। उसके लिए हम जन जागरूकता अभियान चला रहे हैं सब जगह, बच्चों में, पेरेंट्स में, टीचर्स में, जिससे कि वहाँ पे लोगों में उसकी मांग की कम होगी तो फिर सप्लायर भी अपने आप कम आएगा। तो ये हमारा दो तरफा इसके ऊपर अटैक है। की तैयारियों की आज हमने बात की है हमारे चारों एसपी से और डीआईजी साहब से, और काफ़ी गहराई से हमने उसमें वो किया है, और हमारी तैयारियाँ पूरी हैं, पुख्ता तैयारियाँ, और निष्पक्ष और शांतिपूर्ण चुनाव कराया जाएगा पूरी तरह। आप हमारे प्रयास कैसा लगा, नीचे कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करना ना भूले। साथ ही बेल आइकन को दबाए ताकि हमारी लेटेस्ट खबरें आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। इसके साथ ही लेटेस्ट ऑनलाइन खबरों के लिए हमारी वेबसाइट में जाए, क्रिएटिव न्यूज एक्सप्रेस।